करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। हाय गाइस, आपका स्वागत है TNG गेमिंग में। आज हम गेमिंग रिव्यू करने वाले हैं Realme C1 के अंदर। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने करी हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो हमें मिलता है इसके अंदर Qualcomm Snapdragon 450 का प्रोसेसर, उसके साथ 2GB रैम, 16GB इंटरनल मेमोरी। अब साथ ही अगर मैं आपको इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर बताऊं तो वो है 73,000। तो आइए अब देखते हैं कि इसकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस कैसी आती है। पहले हम इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। इसका टेम्परेचर है 34 डिग्रीज और इस समय हमारी बैटरी परसेंटेज है 100% पे। अब आइए हम जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले खेलते हैं हम स्पाइडरमैन, जो कि 800 MB की गेम है। ये हमारा 7,000 रुपए का डिवाइस है जिसके अंदर आपको नॉच वाला डिस्प्ले मिलता है HD+ रेजोल्यूशन में। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले काफी अच्छा लग रहा है, गेम के कलर्स बहुत ही प्यारे नजर आ रहे हैं और एक्चुअल में ये गेम काफी आराम से खेली जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कहीं पे भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहा, कहीं पे भी लैगिंग नहीं आ रही, बहुत ही स्मूथली चल रही है हमारी ये गेम। आप देख सकते हैं ये गेम हमारी आराम से चल गई, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आई इसके अंदर। अब आइए हम इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। टेम्परेचर आया है 34.6 डिग्री। जब हमने शुरू किया था तो 34 डिग्री था, अभी भी 34.6 है, तो सिर्फ 0.6 डिग्री राइज किया है। अब हम खेलेंगे इसके अंदर पबजी, जो कि मुझे लगता नहीं है कि हम खेल पाएंगे ठीक से। और साथ ही आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमें गेम मोड भी मिलता है जिसमें आपके ग्राफिक्स को बूस्ट कर दिया गया है, बैकग्राउंड में सारी एप्स को बंद कर दिया गया है ताकि आपको बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस मिले। साथ ही आपको कुछ शॉर्टकट्स भी मिलते हैं नॉच की साइड में, जिससे कि आप चैटिंग कर सकते हैं, साथ ही आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो कि आपको 7,000 रुपये के डिवाइस में दिए गए हैं। इसके साथ आप देख सकते हैं हम इस गेम को लो ग्राफिक्स पे खेल रहे हैं, जो कि रिकमेंडेड है। से 2GB रैम मिलती है इसके अंदर हमें, तो लो पे ही खेल सकते हैं। और साथ ही जो हमारे गेम के ग्राफिक्स हैं वो है अभी स्मूथ पे, सबसे लोएस्ट रखे हैं मैंने ताकि हमें पता चले कि इसके अंदर ये गेम चल भी पाएगी या नहीं। ये हम आ गए पैराशूट से नीचे, मैं किसी आइलैंड पे उतर गई हूँ, मुझे लगता है यहाँ से मुझे निकल के मेन लैंड पे जाना पड़ेगा, तो बीच में मुझे स्विमिंग भी करनी पड़ेगी और आसपास कहीं घर भी नहीं दिख रहे। ये मेरे से दूसरी बार हुआ है कि मैंने गेम स्टार्ट करी और मेरे पास कोई घर नहीं है आसपास और सीधा मैं उतर गई हूँ नीचे। देखते हैं हमें गन शैन मिली जाए, इसके अंदर चलते हैं, वहाँ कुछ चीज़ें पड़ी हैं और ये अटक रहा है। ओहो, फायरिंग शुरू हो गई। शिट, अभी तक गन नहीं है मेरे पास। यहाँ गन है ही नहीं, मैं तो यहाँ मारी जाऊंगी ऐसे तो। भागते हैं। उसने देखा नहीं कि मेरे पास गन नहीं है, तो वो मुझे सीधा आके मार सकता था, पागल है, ऐसे छुप छुप के मार रहा था। ने भी अब उसको खेल ही ना आती हो। चलो कोई नहीं, हम तो भागे, अच्छा मौका मिला है। जब तक गन नहीं मिलती मैं रुक ही नहीं सकती हूँ। आगे कुछ घर आ रहे हैं, शायद उसके अंदर मुझे गन मिल जाए। और ये मिल गई गन। ये फिर से कुछ घर आ गए हैं। अभी तक मैंने किसी एक को भी नहीं मारा है यार, ये तो बड़ी गलत बात है। ये आ गया, अच्छा उस घर के अंदर से फायरिंग कर रहा है।
हल्की हल्की गेम अटक रही है, बीच में हल्की सी लैगिंग आ रही है, मतलब जैसे कि आराम से चल रही होती है तो उसके बीच में हल्का सा कंट्रोल एक आधी बारी जाता है। खैर, हमारा ये बजट डिवाइस है 7,000 रुपये का, जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 450 का प्रोसेसर मिल रहा है, 2 GB रैम मिल रही है, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आनी ही थी, पर चल रही है हमारी पबजी, काफ़ी आराम से चल रही है, आप देख सकते हैं। ओहो, तो मुझे फायर कर रहा है पीछे से वो भी। पूरी टीम के 2 बंदे खड़े। ओह ये मैं जीत गई, वाओ। मतलब कि आप रियलमी C1 के अंदर सिर्फ खेल ही नहीं सकते बल्कि जीत भी सकते हैं इसको। दिस इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस, इस डिवाइस की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आएगी मुझे लगा ही नहीं था। आइए इसका टेम्परेचर ले लेते हैं। इसका टेम्परेचर आया 39.3 डिग्रीज। 40 मिनट की हमने टोटल गेमिंग करी है और हमारे डिवाइस में सिर्फ 60% बैटरी लगी है और उसके साथ सिर्फ 5 डिग्री टेम्परेचर राइज किया है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आई है रियलमी C1 की, मज़ा आ गया इसकी परफॉर्मेंस को देख के। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊँगी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।